हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए डरावनी कहानियाँ लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी सीमा जी की है, जिनके घर में कहीं से एक शैतानी शीशा आ जाता है। ये शीशा कैसे और कहाँ से आया और इसके आने के बाद उनके घर में क्या क्या हुआ, जानने के लिए पूरी कहानी सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। हम कुछ 25 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुए थे। मेरे पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ था। वो एम्बेसी में जॉब करते थे, जिसकी वजह से हमें भी यहाँ आना पड़ा। कुछ टाइम के लिए हम रेंट पर रहे। उसके बाद पापा ने ज़मीन ली और घर का काम शुरू हो गया। हम बहुत खुश थे, हमारा नया घर बन रहा था। घर पूरा बनते ही हमने उसमें शिफ्ट होने का सोचा, लेकिन उससे पहले पापा ने घर का सामान मंगवा लिया था, जो कि उन्होंने एम्बेसी से ही ख़रीदा था, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान ठीक प्राइस पर मिल जाया करता था, क्योंकि वो 1 से 1.5 महीने यूज़ किया हुआ होता था। सामान का ट्रक आया और उसमें एक सुंदर सा शीशा भी था, जिसके चारों तरफ लकड़ी का सुंदर काम हो रखा था। पापा को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस शीशे को कब लिया, पर बिल में पैसे भी कटे थे, तो पापा ने उसे रखने को मना नहीं किया। अब वो शीशा काफ़ी सुंदर था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रखने की ज़िद करनी शुरू कर दी और मेरी ज़िद के चलते मम्मी पापा भी तैयार हो गए। मेरे कमरे में मैं और मेरी दीदी रहा करते थे, क्योंकि हम दोनों काफ़ी छोटे थे और अकेले कमरे में रहने से हमें डर भी लगता था। पर जब से ये शीशा हमारे घर में आया था, ना जाने हमारे घर में कुछ सड़ने की बदबू आ ही रही थी, और सारा घर चेक करने पर भी कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं मिली जिसकी वजह से ये बदबू आ रही हो। लेकिन धीरे धीरे शायद हमें इस बदबू में रहने की आदत हो गई थी, इसीलिए अब हमें बदबू आना बंद हो गई थी। इस घर में आए हमें कुछ 1 या 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि घर में बहुत छोटी पर अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, और हमें उसे नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि इस घर में हम 5 लोग रहते थे। तो कोई सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मिलता तो हम सोचते हम में से ही किसी ने रख दिया होगा। कभी कभी तो खाना भी आधा खाया मिलता या फ्रूट्स आधे गायब होते, लेकिन हम इसे कुछ सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन जब भी मैं रात को सोती तो कई बार मुझे लगता जैसे कोई बेड के पास खड़ा मुझे घूर रहा हो। मुझ में आँखें खोल कर देखने की हिम्मत तो नहीं थी, तो मैं चादर से खुद को पूरा ढक कर सो जाया करती थी, और कभी कभी दीदी को पूरे कमरे में चेक करने को बोलती, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उन्हें कुछ दिखता और महसूस होता। पर एक दिन मेरी चादर को किसी ने ज़ोर से खींच कर फेंक दिया। मैं ज़ोर से चिल्लाई, पर जैसे मेरी दीदी को कोई आवाज़ सुनाई ही ना दी हो, वो ऐसे ही सोती रही। उनकी नींद बहुत हल्की थी, छोटी सी आवाज़ों से भी उनकी नींद खुल जाया करती थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। मैंने डरते डरते अपनी चादर उठाई और दीदी के पास जाकर सो गई। सुबह हुई, मैंने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने इसे मेरा बुरा सपना कहकर टाल दिया। इस बात को अभी 2 ही दिन हुए थे कि पापा ऑफिस गए हुए थे और मम्मी बाहर काम से गई थी, दीदी और भैया स्कूल गए थे। मेरी ने आज छुट्टी कर ली थी। मैं घर में अकेली खेल रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा हो। धप धप की आवाज़ नीचे वाले कमरे तक आ रही थी। मैंने सोचा शायद मम्मी आ गई हो। मैं कमरे के पास गई, जैसे ही मैंने गेट खोला मैंने देखा लंबे बाल मुंह पर बिखेरे हुए, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे शरीर में खून की एक बूंद ना हो, बड़े बड़े नाखून और गलती हुई चमड़ी वाली एक औरत मेरे बेड के सामने बैठी थी। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहाँ से भाग गई।
मैं रात को अपने कमरे में सोने को तैयार ही नहीं थी, पर शायद नींद आ जाने के बाद पापा मुझे मेरे कमरे में सुला गए थे। और जब मैंने खुद को अपने कमरे में पाया तो मैं डर गई। मैंने खुद को चादर से ढक लिया। थोड़ी देर बाद मैंने कोई आवाज़ सुनी और मैंने थोड़ा सा झांक कर देखा तो उस शीशे में से वही औरत बाहर निकल रही थी और घसीटती हुई मेरे बेड की तरफ आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर ही नहीं आ रही थी और वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मेरे हाथों में कुछ आया तो मैंने वो सामान दीदी को दे मारा, जिससे न जाने उसकी नींद कैसे टूट गई, जैसे वो किसी लंबी बेहोशी से होश में आई हो। और जब उसने मुझे देखा तो वो औरत अपना बड़ा सा मुँह खोले मुझे निगलने की कोशिश कर रही थी। उठते ही वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाते ही मम्मी पापा आ गए और ये सब देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। तभी मम्मी भागती हुई मंदिर गई और वहाँ से पूजा की राख लेकर आई और उस औरत पर फेंक दी, जिससे वो जलने लगी और वो दौड़ती हुई उसी शीशे में घुस गई। ये देखकर तो मम्मी पापा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पापा मम्मी ने उस शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो टूट ही नहीं रहा था। हम सब उस रात एक ही रूम में सोए और मम्मी ने उस शीशे के चारों तरफ और कमरों के हर दरवाज़ों पर उसी हवन की राख से लाइन बना दी। जैसे ही सुबह हुई, मम्मी पापा ने हमें स्कूल भेज दिया और दिन में हमें मौसी के घर में जाने को कहा, ताकि हम उस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रहें और मम्मी पापा उस शीशे का कुछ कर सकें। कुछ दिनों बाद जब हम घर आए तो हमारे घर में वो शीशा नहीं था और ना ही हमारे घर में वो सड़ने की बदबू थी। अब घर शांत और हल्का, बिल्कुल नए जैसा लग रहा था, जैसे इस घर में हम पहली बार आए हों। पापा से पूछने पर पता चला कि कुछ दिनों तक वो बहुत सी जगहों पर गए और अलग अलग लोगों से मिले। फिर उन्हें एक पंडित जी मिले, जिन्होंने घर में आकर देखा तो उन्होंने पूछा, ये शीशा कहाँ से लिया है? उन्होंने बताया कि शीशा तुमने ख़रीदा नहीं था, ये शीशा खुद तुम्हारे पास तुम्हारे घर आया। उन्होंने पूजा हवन करके उस शीशे को बांधा और ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय।